अभी हम मशल लेसन की समझ इस आराम से याद करेंगे। भूमि और रानी, यहाँ पर पोएट ऐसा डिस्क्राइब कर रहा है, ये धरती माता को एक रानी के तहत में डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा। आम तरह पर वर्षम चिन्ह करो या वर्षम को या वार चिन्ह करो, वर्षम बोलो वारा बोलो दो भी बारिश की बोलते तलंगरा पड़ता है। ये तलंगरा क्या चीज होता है नेक्स्ट यहाँ पर आपको नेक्स्ट पिक्चर्स में बताऊंगा तलंगरा क्या चीज होता है। जब ये शादियों में, ये हिंदू की शादी में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के बीच में वो चावल जो होता है वो चावल में हल्दी कुमकुम और सारी चीजें मिला के एक दूसरे के ऊपर वो डालते हो फेंक लेते रहते तो उसको बोलते तलंगरा। अंदर इन कालों पूरा डाला चुकना है, सबके जब बारिश होते तो सबके चेहरों में एक मुस्कुराहट दिखाई देती है, एक नए फील दिखाई। कत्ल रेंडु कल्स नेटलु का दो तलवारें एक साथ मिली, तो जब दो तलवारें जब एक साथ मिलते हैं तो बीच में कैसी आवाज आती थी, वैसी मेघम मोहन जी बारिश का गरज जी की आवाज सुनी आएगी, आकाश की कल्लो जिगे नुमन आई उसके वो जो एकदम वो चमक को हमारे क्या हुआ उसके आंखों में एकदम हमारे में एकदम चमक आ गई। अभी हमें बारिश ये सी दिखाई दे रहा, ये भी दिखाई दे रहा, ये एक धरती के वैसा दिखाई दे रहा। अभी मैं तरंगरालू थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, तरंगरालू अंदर एक मुखालो पूरा लगा बच्चों सबके यानी फेसेस पे चेहरों पे एक रौनक आ गई, एक खुशी आ गई। या बस दो तलवार है जैसे अगर मिल गए तो कैसे बिजली की आवाज कैसी आती है, ये पिक्चर्स में यहाँ पर आपको ये ऊपर के जो पैराग्राफ को समझाने के रिलेटेड में है। वर्षम और वाना पंडलकु ग्रामं कोसी कर्मनु पूर्तुंदि, जब बारिश होती है तो पूरा सूखा पड़ा था धुका रहा था पूरे पूरे जो जो भी क्रॉप्स है पूरे क्रॉप पूरे सूखे पड़े जाते बाबू कोड़े ना रहे मंगल पाल धर ले मुंताई। जब ये बारिश होती है तो ये क्रैप्स में जान आ जाती है, जो सूखा पड़ गया था वो सूखा पूरा एकदम फिर उसके अंदर और वाहन पूरे नाले जो भी नाले हैं वो पूरे नाले पूरे से साफ हो गए, सब भागने लगते रहते मंगल पाल धारण पहुंचाई, नदियां पूरे दूध की नहरें बन के आगे जाते रहते और बारिश तो निंडी बारिश से भीगी हुई जमीन ग्रीनरी से छा जाती है। भूदेवी की आग मचन चीरे कट्टुनट्टुगा उंटुंदी, यहाँ पर पेट क्या बोल के डिस्क्राइब कर रहा था, ये धरती को एक माता के एक देवी के रूप में माता के तरह उनके समझा रहा कि वो जो भूदेवी को एक ग्रीन सारी बांधे में से दिखाई दे रहा उनके समझा रहा। अभी आप ये देख रहे हैं ये बारिश है, ये पूरे पूरे बारिश से पूरा हरा भरा दिखाई दे रहा। अभी ये सूखा पड़ गया था, पानी पीने के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, फिर उसके बाद एकदम ये वागुल कोड़े नाग रही है ऐसा जिदा से जैसा बोले वैसा बंगल पारा धारा रही दूध की नहरों के वैसा भी, फिर उसके बाद वारा जो दर्शन नीला जो बारिश से भीगी हुई जमीन पूरी एकदम जमीन में पूरी ग्रीनरी छा जाती है और हमारी धरती माता को एक सारी बांधे वैसा दिखाई देता है उनके यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब कर रहा। वार बढ़ते जब बारिश होते रहते ये तुरु कोमल तो मट्टी नहीं है जिम्मत वो जो बुल्स बैल वो क्या करते वो मट्टी के वो कच्चे की कच्ची मट्टी के या फिर उसके अंदर अपने सिंगों को मट्टी में डुबा के और उछालते हुए मट्टी को ऊपर उछालते हुए रंगेल बेचता है। जैसे आप छोटे अरे बकरे के बच्चे या रहे तो और कौन से भी जानवर के बच्चे जब छोटे बच्चे रहते तो वो जैसा छलांगे एक दूसरे एक जगह से एक जगह कैसा छलांगा मारते तो यहाँ पर भी जो बैल क्या करते वो इधर से उधर जंप करते हुए वो अपने पैरों से इधर से उधर कूदने लगते। नेमली पूरी भी पिनाटिंग चेस्तुंदी जो हमारा पिका जो मोर अपने पूरे पंख खोल के डांस करने लगता। आरा वैसे चीरला वाले जैसा कि हमारे बिल्डिंग पे हमारे पास जो साड़ियाँ साड़ीज को सुखाया जाता है जैसा तो वैसा आवरू यानी कौस नंदनी कुंडल शिला वाले ब्लैक कलर्ड गेदलू बफेलोस तूर्पु पड़ सुनाई कहीं दूर पे ये ग्रीनरी की जो यानी यहाँ पर पोएट ऐसा डिस्क्राइब कर रहा जो कल सफेद कलर या कुछ अलग अलग कौस जो है कलर अलग अलग कौस के जो कौस है एक तरफ और
क्या बोले ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है, स्केच कर रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप इंटर रंग के लोग इस तरह ये जैसा बोले वैसा अपने इधर से उधर उधर से उछल कूद करने लगते हैं और हमारा ये पिकॉक है मोर है ये मोर अपने पंख खोल के नाचना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर काउस है यहाँ पर बफेलोस है यहाँ पर इधर गाय है और इधर भैंसा है वो दूर से ऐसा दिखाई देता कि हमारे वो साइलेंस को सुखा है कि वैसा दिखाई देते रहता। अब यहाँ पर हम ये एक छोटा सा फिर और एक ये मजीद इसके आगे और कंटिन्यू करने के लिए आप इसके आने वाला जो वीडियो रहता है वो वीडियो को आप देखते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए फिर आगे में और मजीद इसके इसका कंटिन्यूएशन पार्ट अगर आपको देखना है तो फिर आप नेक्स्ट आने वाले वीडियो को आप जरूर देखते रहिएगा। వానకు తాగడమ్మ గొడుగును పట్టుకున్న రేకు తన కులమనడి రాజ్యానికి రాజుగా వెలుగుతున్నాడు యాపర్ ఏ సమజారా కే హమార్ బాజ్ జబ్ బారిష్ హోతీ హై తో హమ్ అంబ్రెల్లా పకడ్ కే బాహర్ నికల్ జాతే లేకిన్ యే గావ్ మే విలేజెస్ మే అంబ్రెల్లా తో నహీ పుట్ రహే యే పామ్ ట్రీ యానీ వో సింధీ జో బోల్తే హై ఉస్కే ఛాడ్ కా ఏక్ వో పూరా బహుత్ బడా పత్తా హోతా వో పత్తా క్యా కర్తా అప్నే వో అంబ్రెల్లా కే వైసా ఇస్తేమాల్ కర్కే वो जाते था जब वो जाते थे तो वो सीन ऐसा दिखाई देता कि वो अपने किंगडम का किंग कैसा जाता तो वैसा ही अपने ये अपने खेत का ये जो किंग अपना वो ऊपर से वो सर पे वो अपना वो छाता पकड़ के जाए तो दिखाए चेतिलो मुरुगर फुटकुना और हाथ में क्या रहता हमेशा एक लकड़ी रहती है लकड़ी के सामने एक छोटा सा नेम भी रहता तो उसको मुरुगर बोलते वो पकड़ के शिवड़ी वाले झंडम धरी ये शिवा के हाथ में एक लकड़ी है तो वैसा पकड़ के करुण पोटे यमुनी लगा यानी ड्राफ्ट को भगाने वाला यानी पूरे सूखा जो है वो सूखे को भगाने वाला ड्राफ्ट को भगाने वाला यमुनी ला करुण तू नल दिखाई दे रहा है उनके यहाँ पर हमको ये पूरे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए ये पाम ट्री का है ये पाम ट्री का बना हुआ है ये पूरा ये ऐसे ही अम्ब्रेला लेके वो जाता रहेगा और अपने खेत को जाएगा। अभी एक खेत का वो राजा दिखाई देगा वो अपने किंग के ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये पोएट का डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि जब एक राजा अपने किंगडम में कैसा घूमता तो वैसे यहाँ पर ये फील्ड का राजा ये फार्मर है। तो जब ये बारिश होती है तो जब ये क्रॉप के लिए अपनी कल्टीवेशन के लिए ये अपने खेत में कैसा किंग बन के एक राजा अपने किंगडम में किंग बन के कैसा रहता है यहाँ पर अपने खेत में ये फार्मर अपना किंग बन के रह रहा बन के और ये जो किंग है ये ड्राफ्ट को भगाने वाला एक इंसान है बोल के यहाँ पर कोई डिस्टर्ब कर रहा। अब उसके बाद मैं आप लोगों को ये बता दूँ इसके और मजीद आगे आप क्वेश्चन एंड आंसर से जो भी है लेसन से रिलेटेड जो भी मैटर है तो वो मैटर के लिए इसके आने वाला जो वीडियो जरूर देखने की कोशिश करिएगा और हमारे चैनल को हमारे समोसा तेलुगु चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा देखते रहिएगा और शेयर करते रहिए लाइक करते रहिएगा।